सुप्रीम कोर्ट के जरिए आज अयोध्या मामले पर अहम फैसला सुनाया जाना है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के तंबू चौकी इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुलिस बल है उसे तैनात कर दिया गया है। यही हाल अहमदाबाद के सारे इलाकों का है। यहाँ पे सभी जगह पे पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही SRP और RAF की अगर जरूरत रही तो उन्हें भी तैनात कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग शांति को बनाए रखें। साथ ही पुलिस की यहाँ पे शांति समिति के साथ एक मीटिंग भी हुई थी। पुलिस ने उनसे अपील की है कि लोगों को ये कहे कि लोग जो भी फैसला आए शांति बनाए रखें। हमारे साथ इस इलाके के रहने वाले बुजुर्ग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर ये बताइए कि क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम उम्मीद ही रखते हैं कि बाबरी मस्जिद या राम जन्म भूमि, उससे ज़्यादा अहमियत है अमन और शांति की। लोग अमन और शांति पसंद करते हैं और हमको अमन और शांति रखना है। मैं अहमदाबाद का शहरी एकता समिति का मेंबर भी हूँ, दरियापुर पुलिस स्टेशन में स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ, और हमारा ये प्रयास है, हमारे तमाम अधिकारी एडिशनल कमिश्नर वगैरह DCP वगैरह तमाम 2-4 रोज से पूरी मेहनत कर रहे हैं, हर महल्ले में लोगों को समझा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा वो अमन शांति वाला आएगा। और दरियापुर इलाका बहुत संवेदनशील विस्तार था, लेकिन काफ़ी वर्षे से यहाँ हमारे लोगों की मेहनत से, हिंदू भाइयों की मेहनत से अमन और शांति है। अब हमको अमन और शांति बनाए रखना है। बिल्कुल, अमन और शांति बनाए रखना है। साथ ही पुलिस भी लगातार यहाँ पे गश्त लगा रही है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात है लगातार सुबह से ही। इसी तरीके से यहाँ पे पुलिस जो है वो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं इकट्ठा हो रहे हैं उनको हटा रहे हैं। साथ ही अब अगर अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर भी इतना ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद के DCP, खास करके सुरक्षा इंतजाम काफ़ी पुख्ता कर दिए गए हैं, उन्हीं से पे बात करते हैं। सर ये बताइए कि किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम पूरे शहर में किए गए? हमारे जो जोन विस्तार है उसमें पुलिस के द्वारा बंदोबस्त लगाया गया है। इसमें पुलिस और होमगार्ड और SRP के द्वारा बंदोबस्त लगाया गया है। इसके साथ साथ पेट्रोलिंग का भी अलग अलग जगह पर आयोजन किया गया है, और जो फिक्स पॉइंट है पुलिस के वो उसमें भी पुलिस अभी हाजिर है, और कुछ पॉइंट पर वीडियोग्राफर हाजिर हैं और कुछ पॉइंट पर CCTV के द्वारा नज़र रखी जा रही है। सर खास करके शांति समिति की जो कमिटी है उनके साथ आप लोगों की मीटिंग हुई, क्या बातचीत उसमें हुई और क्या आप लोगों की जरिए अपील की गई? हमारी ईद मिलाद का जो आने वाला त्यौहार है उसके निमित्त शांति समिति की मीटिंग हाल में ही हुई थी, और उसमें दोनों पक्ष के जो आगेवान हैं वो सभी एक दूसरे के साथ शांति के साथ उन्होंने बातचीत करी, और अभी यहाँ पर शांति का माहौल है और कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर खास करके सोशल मीडिया पे नज़र किस तरीके से रखी जा रही है? हमारे शहर में सोशल मीडिया के ऊपर वॉच रखने के लिए साइबर क्राइम सेल है, उसके द्वारा सतत नज़र रखी जा रही है, और कुछ भी जो उसमें आगे होता है वो ऊपरी अधिकारियों के ध्यान पे दिया जाता है। बिल्कुल, लगातार सोशल मीडिया पे भी नज़र रखी जा रही है। साथ ही पूरे शहर के अंदर इसी तरीके से गश्त लगाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से शांति है वो बनी रहे। और पुलिस भी लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि चाहे फैसला कुछ भी हो शांति बनी रहे। गोपी गांगर, अहमदाबाद,